अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फिट के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद जी आया नू। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा लेकर आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज वो अहबाब सामने आ जाएं जिनको एसी में भी बैठ के शहवत नहीं आती, यानी कि शहवत नाम का जो लफ्ज है वो उनमें खत्म हो चुका है। इतनी सुकून वाली जगह पर भी बैठ के अगर उनके लोड़े को सुकून नहीं मिल रहा, यानी कि वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो रहा, इस कदर भी उनमें हिम्मत नहीं है कि वो अजू को खड़ा कर सकें। अगर वो खड़ा भी होता है बड़ी जल्दी ही फारिग हो जाते हैं। उन्हें सूरत अंजाल जरियान जैसी अगर बीमारी में मुबतला है तो आंखें बंद करें, चुप करके इस नुस्खे को खा लें जिस तरह मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह एक हफ्ता खाने के बाद आपके उसी अजू में बगैर एसी में बैठे इस कदर सख्ती आएगी, इस कदर शेवत आपको आएगी कि आप जहाँ होंगे वहीं चरपाई बिछा लेंगे। यानी कि इतना फायदा आपको देने वाला है ये नुस्खा कि अगर मैं इसके फायदे बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो पूरे एक दिन की वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं बहुत ही कम टाइम में नुस्खा आपके हवाले करके आपसे दुआ का तलबगार रहूंगा। आइए जल्दी से फिर नुस्खा मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि फिटनेस फिट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो नुस्खे का बाकायदा आगाज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दोस्तों आपने क्या करना है, असगंध नागोरी लेनी है। असगंध नागोरी 10 तोला लेनी है। उम्दा असगंध नागोरी आपने 10 तोला ले लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने बेखबुदारा लेना है। बेखबुदारा आपने 10 तोला लेना है, किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा। आखिरी जो चीज लेनी है वो है कूजा मिश्री। कूजा मिश्री आपने 30 तोला ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, तमाम अद्वियात का सफूफ बना लेना है। जब आप सफूफ बना लें तो आधी चम्मच सुबह और आधी ही चम्मच शाम को आपने दूध के साथ खाने से पहले ले लेनी है, यानी सुबह नाश्ते से पहले लेनी है और शाम को खाने से पहले आधी चम्मच आपने ले लेनी है। दोस्तों जिस दिन आप ये खाएंगे उसी दिन आपको अपने अंदर आती हुई तब्दीली महसूस हो जाएगी। बाकी जो मैंने जुमला अमराज शुरू में बताए हैं, यानी जरियान, सूरत अंजाल, जल्दी फारिग होने वाली जो बीमारियां हैं आपको, इंशाल्लाह वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी। आप वापस मर्दगी की तरफ आ जाएंगे, मर्दाना ताकत आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत ही कमाल नुस्खा है दोस्तों, आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। नुस्खे का मिजाज तर गर्म है, इसलिए अपना मिजाज लाजमी चेक करवाएं। अपना मिजाज चेक करवाने के बाद इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। मुझे दीजिए अब इजाजत, में मिलता हूँ काली से भी नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।